अचानक से रवैया बदल गया इंडस्ट्री का मेरी तरफ और वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एकदम से चेंज हो गया है अगर मैं उस वक्त अपनी प्री टीन सेल्फ से बात कर पाती तो मैं बोलती कि इट ऑल टर्न आउट फाइन यू विल बी फाइन फिर कोई आपको खूबसूरत भी कहेगा एंड इन दैट मोमेंट आई वेंट बैक टू टू दिल्ली आई वाज शेयरिंग अ फ्लैट विद अ फ्रेंड आई रोड हियर टेक रेंट फॉर 2 3 मंथ्स फिगर योरसेल्फ आउट आई एम गोइंग टू बॉम्बे नहीं बॉडी देखी मैंने

वो सब कुछ हिल जाता है हेलो गाइस मैं हूं राघव जियाल हाय आई एम धैर्य कड़वा एंड आई एम कृतिका कामरा और आप देख रहे हैं हमें शुभोजीत के YouTube, YouTube चैनल पर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यस और हमारा ही हमारी सीरीज है 9 अगस्त को आ रही है Z5 पर ग्यारा, 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 11 11 11 11 अच्छा चलो इंट्रोडक्शन का टाइम है तो मैं तीनों का अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ ये जो है इनका नाम है कृतिका लेकिन खूबसूरती जो वर्ड है हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि यार तुम बहुत खूबसूरत हो तुम बहुत खूबसूरत हो खूबसूरती वर्ड ने ये पेटिशन फाइल किया है कि मेरा नाम रिप्लेस करके कृतिका रखो सो आज है? से कोई भी अगर बोलेगा Actually, कि आप ब्यूटीफुल हो आप ब्यूटीफुल नहीं हो आप कृतिका हो दैट इज वर इट इज लोग बोलते कि बुर्ज खलीफा जो है वो सिर्फ दुबई में है लेकिन बुर्ज खलीफा वाला खूबसूरती जो है वो यहाँ पे इंडिया में भी पाया जाता है उनका नाम है धैर्य कारवा भाई कैसे हो तो और इन्होंने किल पे किल किया है यहाँ पे लेकिन अभी फिलहाल भाई थोड़े परेशान है बिकॉज बारिश में यहाँ पे उनके कपड़े जो है वो सूख नहीं रहे है लेकिन एट द सेम टाइम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं तीनों ने मिल लाया है ग्यारह ग्यारह Z5 में आ रहा है नाइन्थ ऑगस्ट को अपने लिए जोर से बजाओ ताली क्या बात है आपके लिए ताली थैंक 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 यू 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 क्या बात है क्या बात है मुझे बताओ ग्यारह ग्यारह के कॉन्टेक्स्ट में तो हम बात करेंगे बट इलेवन इलेवन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन इज वेल आप लोग जानते होंगे आप लोग करते हो इलेवन इलेवन वाला मैनिफेस्टेशन करते हैं राइट बट देख

और एक सरप्राइजिंग सा सब लोग, मेरी जर्नी देखी है सबने महसूस की है साथ, तो वो बड़ा सब है। सब लोग, जो मेरे जैसे फासिल भाई का कल कि सी, मेरे लिए वो, को मुझे लगता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब सुन के देख के जरूरी था यार मुझे करना है इस बार करके दिखाया एकदम बोलते ना कि वैक इट आउट ऑफ द

Uh, नहीं बट बहुत इनसिक्योरिटीज होती हैं आपकी hmm. uh, क्योंकि आप बदल रहे hmm. होते हो इट्स जस्ट आपकी फीलिंग्स एवरी थिंग इज जस्ट समथिंग यू नॉट समीपेड फॉर सो उसके लिए मैं शायद बताना चाहती लोगों को कि लोगों को नहीं सॉरी शायद मैं उस वक्त अगर जा प, अगर मैं उस वक्त अपनी प्री टीन सेल्फ से बात कर पाती तो मैं बोलती कि ऑल टर्न आउट फाइन यू विल बी फाइन फिर कोई आपको खूबसूरत भी कहेगा अरे वाह कोई आप हां बिकॉज़ कृतिका नाम ही हो जाएगा डेफिनेशन yeah. उसका धैर्य भाई आपका क्या जवाब रहेगा कौन बेटा ज्यादा मत पीना ओवरडोज <laughs> तो <ना laughs> कर रहा है कंप्लेंट 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 हटा दो नीचे यहां पे कोई इंडोर्समेंट में नहीं चल रहा बट देन ओवरडोज कर ली थी ओवरडोज कुछ नहीं यही है

Hmm. Now that Gheraiya has happened, Ghera is coming. Hmm. You're shining as a lead role, right? Which is something which you always wanted. So, right? do you sometimes pinch yourself and feel that the decision I made to my job come here that's the best decision of your life? Absolutely. Now that I look back, that decision that and that happened in a moment where I uh, left Delhi and moved to Bombay. Now that I think, uh, I'm not that person. I don't uh, take a lot of instinctive decisions. I did it, it happened. Yeah, maybe was But did something trigger that decision? No, uh, I was like you said. no, I was modeling in Delhi. I came here uh, to meet a couple of modeling agencies. One signed me on the spot. I was like yes, we will work with you. And in that moment, I went back to uh, to Delhi. I was sharing a flat with a friend. I told him here, take rent for two three months. Figure yourself out. I'm hmm. going to Bombay. Yeah,

अपराइट एंड कमांडिंग तो वो सारी चीज़ें आपकी कुछ चीज़ों में हेल्प भी होती है यूनिफॉर्म से बट uh, यही कोशिश थी कि एक वन डायमेंशनल तरीका ना हो जो कि स्क्रिप्ट में है भी नहीं hmm. uh, काफ़ी डेप्थ है कैरेक्टर में ये कैरेक्टर मेरा जो है वो पास्ट में भी है प्रेजेंट में भी है hmm. तो चैलेंज कि इन दोनों टाइमलाइंस को मैं अलग कैसे दिखाऊं right. मैं ही हूं ऑब्वियसली हम ऊपर नीचे शूट करते हैं कभी प्रेजेंट का सीन कर रहे हैं कभी पास्ट विद इट शुड फील लाइक अंगट शुड फील लाइक एन ओल्डर मी तो

सो so, नब्बे भी दिखा रहे हैं yeah. और 2016 भी दिखा रहे हैं तो दैट होल स्पैन गिव्स यू किसी के प्राइम इयर्स प्ले करने का आपको मौका yeah, मिल रहा है या राघव मुझे आप एक बात बताओ कि

और वो मेरे लिए लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था अपनी बॉडी मतलब, मतलब थोड़ा मतलब जीत नगर एक हाँ। वर्सोवा में जगह हाँ। है वहां पर मैंने बहुत साल पहले की बात है मैं हाँ। शोज शोज करता था बहुत डांसिंग शोज और yeah. लाइव शोज जो होते हैं तो इंडिया टूर करके मैं आया था वापस और घर बहुत थका हुआ था तो मैं नीचे मेरी आदत थी पलंग मिनी में नीचे से होता था गंदा लगा के बहुत बहुत टाइम तक रही मेरी आदत तो वो और एक आशु मेरा उस टाइम पे असिस्टेंट था वो मेरे साथ उधर सोया हुआ था उस कॉर्नर कौर, में रूम के और मैं इस कॉर्नर में सोया हुआ था रूम के तो मैं सोया विद इन सिक्स मिनट आई थिंक मैं मेरी आंख लग गई थी और मैं अचानक से ना मैंने देखा कि मैं बैठा हूँ और मेरे को मेरी बॉडी दिख रही सोई हुई आशु दिख रहा है वो पंखा दिख रहा चलता हुआ और मैं ऑब्वियसली मैं, सपने में मुझे लग गया कि मैं सपने में हूँ तो मुझे उठना था तो मैं उठ नहीं पा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से मैं उसमें उठा मैंने कहा यार क्या गजब का सपना देखा है यार मुझे तो ही लगेगा ना ड्रीम है yeah. मैं फिर सो गया ना चलो कोई नहीं सो जाता नींद आ रही है फिर मैं सोया फिर पांच मिनट में मैं फिर वो हूँ और उस, उस सपने में मैंने आशु को करवट लेते हुए देखा और मेरी बॉडी भी दिख रही है मुझे और आशु ने ऐसा करके करवट लिया मैंने कहा फिर मैं जब उठा तो उसने वो लिया हुआ था करवट <laughs> तो तब मेरे को रियलाइज हुआ ये क्या हो रहा है ये मेरे ये ये नेचुरल नहीं है

<laughs> बरसोवा में स्कूटर रुकवा को गुक, गुक, के भाई ऐसा ऐसा हो जाता है इंसान यार एक टाइम पे की बताऊ की क्या है तो वो हुआ था मेरे साथ और इसका साइंटिफिक क्या है कोई कुछ सब पढ़ लिया उसके बारे में साइंटिफिक नहीं है बट देर आर फिलोसफीज अटैच्ड टू दिस आउट ऑफ बॉडी वाला एक्सपीरियंस है नहीं मुझे भी जाके गूगल करना है मुझे इतना नॉलेज तो है नहीं बट मैं जाके गूगल करूंगा एंड मैं पढूंगा इस बारे में मुझे आ, भी नहीं थी मुझे थोड़ी नॉलेज होती तो थोड़ा बोखलाता कम तो मैं बौखलाता कम तो 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 बिल्कुल <laughs> पहाड़ी आदमी तो खाना तो पास में जाके वो चीज करते हैं बात खा के सोया वैसा आउट ऑफ बॉडी आउट ऑफ बॉडी मैंने उस वक्त सुना था यार क्या मतलब वैसा हो गया था कृतिका मैंने यू नो आई हैव सीन योर एंटायर वर्कफोलियो स्पेशलीयर्स जब मैं ऑलरेडी यहाँ पे एज एन एंकर हूँ राइट एक चीज जो आपने कहा था देर वॉज अ टाइम वेन यू है एट द सेम टाइम लास्ट मोमेंट में कुछ फिल्म वगैरह लेके नहीं हुआ था राइट सो मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है एंड दैट्स मैन आई रियलाइज की everything is not a result of your hard work certain things are also about destiny yeah. and certain things are also about how strong your own personal manifestation or uh, wo jo ek charge hota hai na zindagi ki taraf wo the culmination of everything wo sab incidents jab aapke sath hue uske baad did your kind of faith towards destiny universe manifestation aur jyada strong ho gaya us cheezon ke baad se i'll be honest with you i don't really manifest Uh, मैं ऐसी कोई मतलब कि जो हम आज hmm. की डेट में जो हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं hmm. ना मै पीपल हैव अ विजन एंड द राइट थिंग्स इन स्टफ आई डोंट फॉलो एनी सच थिंग एक सेल्फ बिलीफ है अब उसी के अलग अलग नाम है वट इट इज़ वो आपको रखना पड़ता है बट देर आर मोमेंट्स एंड देर आर मेनी टाइम्स इन एन एक्टर्स लाइफ वन वो सब कुछ हिल जाता है एंड नाओ यू कैन से वो डेस्टिनी है या टाइमिंग की ज़रूरत है या लोगों की जरूरत है uh, किस चीज़ की जरूरत है वॉट इज दैट थिंग जो आपको पुश करवा पाएगी टू द अदर साइड बिकॉज आपको लगता है आप सब कुछ कर रहे हो इन योर माइट टू टू यू नो फॉर या टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल फॉर अ प्रोजेक्ट टू है समथिंग टू हैपन फॉर यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप बट सर्टन थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल एंड दैट्स ऑलमोस्ट लाइक लाइफ ऑल्सो यू नो यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट

तीनों में से जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जवाब देंगे दोनों को मैं गिफ्ट भी लाया हूं। <gasps> तो that, no? जो सवाल है एक साथ वट वॉज मोस्ट फन और हिलेरियस एक्सपीरियंस जो आप लोग जब शूट कर रहे थे यू एंजॉयड ब्लास्ट कोई पार्टी था मे बी लाइक इन पार्टी या कुछ सेट्स पे हम लोग कभी कभी बहुत सीरियस सीन्स शूट करते थे और स्पेशली कृतिका तो वो उस दौरान हम लोग बहुत कभी हंसी आती थी क्योंकि इसे गाड़ी चलानी होती थी वाला वो हाँ। और दोस्तों के पास से आता था डायरेक्टली शूट पे तो वो मेरा क्योंकि देहरादून में शूट था ये मुझे देखती थी ठीक है रेडी है बिना सोए आया हूँ थोड़ा भटका रहा लेकिन मजे आए उसमें मुझे

वही होना चाहिए सेल्फ सेल्फ लव वही चीज है ऑन दैट नोट मैं भी जिम में बहुत मजे <laughs> भी भी <laughs> ले। ले। गिफ्ट लाया हूँ तो देना तो पड़ेगा सिंपल चीज है ये तो एक है इनको तो मिल ही रहा है एंड वी द डीवा भाई सॉरी जवाब उन्होंने चुरा लिया सही थैंक यू सो मच भाई

And of course, when you get to speak to your past, it's always enticing and entertaining. And on that note, this is your host Shuboji, on the Sunny G Show. I'll see you all with another very interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay Ooh, safe. Wow. And thank you.